हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया हुआ है। देखिए, कहता है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, 4A इक्वल टू 2314। देखिए, ये 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और कहता है हमें एडजॉइंट निकालने के लिए। जो पहले गिवन दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं। गिवन ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2314। देखिए, ये 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, पहले हम माइनर निकालते हैं, फिर हम कोफैक्टर निकालते हैं, वही कोफैक्टर माइनर निकालते हैं तो फिर कोफैक्टर, जब कोफैक्टर का जब हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमारा ए एडजॉइंट निकलता है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा माइनर ऑफ ए। देखिए, माइनर ऑफ ए क्या हो जाएगा, पहले हम M11 निकालते हैं। तो देखिए, ये हम 2 का माइनर निकालेंगे तो देखिए ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4। ये देखिए, 2 का जब माइनर निकालेंगे तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 4। तो M11 4 निकला, ठीक है। और हम M12 निकालेंगे तो अब देखिए, ये इस एलिमेंट का हम माइनर निकालते हैं तो देखिए इसका रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1। तो ये M12 आ गया 1। अब देखिए M21 निकालते हैं तो M21 निकालेंगे तो देखिए इसका रो और कॉलम हट जाएगा तो बचेगा 3। तो M21 हो जाएगा 3। और जब हम M22 निकालेंगे, M22 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट। M22 का मतलब हुआ सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट। तो देखिए सेकेंड रो ये है तो देखिए इसका हम माइनर निकालेंगे तो ये 4, ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2। M22 आ गया 2। अब चलिए हम कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर ऑफ ए को जोड़ देंगे तो क्या हुआ, 2 हुआ। तो देखिए ये 2 सम संख्या है तो ये 4 का 4 ही उतर जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये हम C12 निकालेंगे, देखिए 2, 1, 3 ये विषम संख्या है तो देखिए विषम संख्या है तो 1 है तो ये -1 लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए C21 निकालेंगे तो देखिए 2, 1, 3 ये सम है कि विषम, विषम है तो देखिए 3 है नहीं, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और देखिए C22 निकालते हैं, देखिए 2, 2, 4 चार हुआ तो ये सम संख्या है तो ये 2 का 2 ही रह जाएगा, 2 ही रह जाएगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है, वह होता है -1 के पावर i + j (MIJ). यही फॉर्मूला होता है कोफैक्टर निकालने का, ठीक है। यही फॉर्मूला पर हम बैठा है। देखिए -1 तो देखिए -1 i + j, तो i + j यानी कि 1 + 1 तो देखिए -1 के पावर 2 हो गया तो ये 1 ही आ गया। देखिए ये सम संख्या था तो 1 आ गया, इसीलिए देखिए ये, अब देखिए विषम संख्या जब निकालेंगे तो ये -1 के पावर 1 + 2 तो ये हो जाएगा -1 के पावर 3 तो ये -1 ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर सीधे माइनस लगा दीजिए, इतना सीधे यहाँ पर लिख दीजिएगा, आपको फुल नंबर मिलेगा। तो चलिए हमें कहता है फाइंड करने के लिए एडजॉइंट, चलिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखिएगा चूंकि कोफैक्टर ऑफ ए, देखिए ये कितना आया हुआ है, ये आया हुआ है 4 - 1 - 3 - 2 और इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिएगा तो हमें एडजॉइंट निकल जाएगा। तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, देखिए इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा तो 4 - 1 - 3 - 2 यही मेरा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले वीडियो में हम मिलते हैं। जय हिंद।